नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौहान आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टीजीटी पीजीटी एलटी में हम बिजनेस स्टडीज़ के टॉप 30 प्रश्न जानेंगे। फ्रेंड्स, ये चौथा वीडियो है और इससे पहले तीन वीडियो के जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन पे अपलोडेड किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले उन तीन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसे बनी। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और हमारे चैनल का नाम है एम विद रोहित चौहान यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, वीडियो को करनी है लाइक, अपने दोस्तों में करना है शेयर। चलिए फ्रेंड्स, सेशन करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है क्रियात्मक संगठन पद्धति की देन है हेनरी फेयोल, जे आर टेरी, फ्रेडरिक विलियम टेलर या हेरोल्ड कर्ट्ज। तो फ्रेंड्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड के प्रतिपादक जो हैं वो हैं एफ डब्ल्यू टेलर, मतलब कि फ्रेडरिक विलियम टेलर ने यह फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विलियम टेलर, जिन्हें यह संगठन पद्धति दी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक्सिम। एक्सिम मतलब होता है एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर बैंक। तो एक्सिम बैंक एक है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग या एक शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब होता है अनुसूचित बैंक। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। और फ्रेंड्स, यह 1 जनवरी 1982 में स्थापित की गई है, याद रखिएगा 1 जनवरी 1982, और 1 मार्च 1982 में इसका कार्य करना शुरू हुआ है और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको रखनी है याद, यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो यह इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चले फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या महत्व होता है, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या है, सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपीरियंस। देखिए फ्रेंड्स, एक जो एफ डब्ल्यू टेलर तो नाम आपने सुना होगा, इन्होंने एक बात कही थी कि अपने जो कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना चाहिए ताकि उससे आपका जो कार्य है एक बेहतर तरीके से हो सके, और बाद में एक स्पेशलाइजेशन को एक विशिष्ट व्यक्ति को उसको सौंप देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा जो कार्य जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि अपने जो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, ठीक है, और बाद में एक विशिष्ट व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए, सौंप देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, विशिष्टीकरण होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, आदेश की एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, एफ डब्ल्यू टेलर, एल्टन मायो, पीटर ड्रिगर्स या फिर हेनरी फेयोल। तो देखिए फ्रेंड्स, हेनरी फेयोल ने कुल मिलाकर 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं और उसी में से एक ही सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड। याद रखिएगा, हेनरी फेयोल साहब ने जो प्रबंध के बारे में कुल मिलाकर 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं और उसी में से एक ही सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर क्या होगा, हेनरी फेयोल, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूनिटी ऑफ कमांड वॉज गिवन बाय हेनरी फेयोल। अगला फ्रेंड प्रश्न है अकॉर्डिंग टू, यहाँ फ्रेंड्स ये डैश है, यहाँ आपको लिखना है, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर,
इसका मतलब यह है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। प्लान एक भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। ये फ्रेंड्स ये कथन किसने कहा है, हार्ले ने, न्यूमैन ने, टेरी या फिर एलन? तो फ्रेंड्स यह जो वाक्य कहा है यह एलन महोदय ने किया है, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। चले फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रिलेवेंट टू, उत्तराधिकार नियोजन विशेष रूप से संबंधित है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑल आर करेक्ट? देखिए फ्रेंड जैसे कि प्लानिंग तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, पर इस प्रश्न में जो प्लानिंग जो बताई गई है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बताई गई है। टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेंड्स कुल मिला के 30-40% ये प्लानिंग के लिए रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रिलेवेंट टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, प्लानिंग क्या है, एक ऐसी क्रिया है जो कि सदैव विच इज ऑलवेज कन्फाइंड टू टॉप लेवल, परसुएटिव टू ऑल लेवल, कैरिड ओनली बाय द प्रमोटर्स एंड अपॉइंटेड एडवाइजर, डी परफॉर्म जॉइंटली बाय मैनेजमेंट एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए फ्रेंड्स प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हर एक लेवल के लिए महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर लेवल्स बता दूँ, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल है और लोअर लेवल है, तीन यहाँ पर लेवल हैं। और जो प्लानिंग जो है एक ऐसी एक्टिविटी है वो तीनों लेवल्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, परसुएसिव टू ऑल लेवल्स। नाउ फ्रेंड्स वी गो टू द अदर क्वेश्चन। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग आर क्या है, नियोजन संगठन निर्देशन या नियंत्रण, यह सब क्या है? पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, गोल ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट या ऑल ऑफ अबव? तो फ्रेंड्स यह जो है एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत में आती है। यहाँ पर प्लानिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, डायरेक्टिंग भी होगा तो कंट्रोलिंग भी होगा। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत में आते हैं, याद रखना है इतनी छोटी सी बात। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग, ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो प्लानिंग के बिना अधूरा है, अस्तित्व नहीं रखता है? पहला है ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षा में आया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सीधे सीधे संबंध होती है प्लानिंग से, अगर प्लानिंग नहीं तो कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं तो प्लानिंग नहीं, तो इसलिए दोनों का ही एक अस्तित्व बना के रखा हुआ है, तो इसलिए यह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन्वॉल्व होती है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्राइस पॉलिसी और ऑल अबव? क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा इन्वायरमेंट होती है, एक ऐसा पर्यावरण होगा जहां पर सेविंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, प्राइस पॉलिसी भी होगी, मतलब उपयुक्त सभी, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अनाउंस इन, कब अनाउंस किया गया है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब स्टार्ट की गई है, 1957, 2004, 1947, 1948? देखिए फ्रेंड्स पहली जो औद्योगिक नीति है वह 1947 में उसको स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन
सी जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगला फ्रेंड्स प्रश्न देखिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनएक्ट इन द ईयर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स पहले मैं डेट्स बता देता हूँ फिर उसका आंसर बताता हूँ, 1956, 1976, 1982 या 1986। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में स्टार्ट किया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड। और फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर कच्चा माल को अंतिम उत्पाद में रूपांतरण करना है तो उसके लिए कौन बेस्ट आंसर होगा, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो फ्रेंड्स जब भी कोई कन्वर्शन करता है तो वो करेगा उद्योग करेगा, यहाँ पर कच्चा माल आएगा और फिनिश प्रोडक्ट भी बनकर जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। चलें फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इन विच ईयर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनएक्ट, है ना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पारित किया गया है, कब इसका अधिनियम किया गया है, 1975, 1979, 1982, 1986 या 1991। तो फ्रेंड्स याद रखना है 1986 जो कि उसका राइट आंसर होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है चले अगला बढ़ते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, एक लेटर जो सेंड किया जाता है इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर द सैंक्शनिंग क्रेडिट डील्स, अ लेटर सेंड बाय एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर सैंक्शनिंग क्रेडिट डील, लेटर कंटेनिंग टर्म ऑफ क्रेडिट परचेज और सेल्स, एक लेटर जो होता है विच बैंक एग्री टू पे द ड्यू डेट्स। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक ऐसा लेटर होता है जो बैंक एग्री करता है टू पे द ड्यू डेट्स, ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स है, क्लियरिंग एजेंट अपॉइंटेड बाय शिपिंग कंपनी, कस्टम अथॉरिटी, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर। तो फ्रेंड्स क्लियरिंग एजेंट है वो इम्पोर्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, याद रखिएगा क्लियरिंग एजेंट। ओके तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला फ्रेंड्स है फॉरवर्डिंग एजेंट इज़ अपॉइंटेड बाय, फॉरवर्डिंग एजेंट को कौन अपॉइंट करता है ये आपको बताना है, गवर्नमेंट, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जॉइंटली। देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था क्लियरिंग एजेंट होता है वो इम्पोर्टर करता है और जो फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है यह एक्सपोर्टर करता है, एक्सपोर्टर, मतलब कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, फॉरवर्डिंग एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द एक्सपोर्टर। अगला फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न यहाँ पर, द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोपाउंड बाय द हेनरी फ्योल, पीटर डगर्स, फिलिप कोटलर या एफ डब्ल्यू टेलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज प्रपाउंड बाय द एफ डब्ल्यू टेलर, याद रखिएगा। चले फ्रेंड्स अगले प्रश्न को चलते हैं, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस बाय द, कौन करता है, एन एक्सपोर्टर, एन इम्पोर्टर, कस्टम अथॉरिटी या फिर शिपिंग कंपनी। तो देखिए फ्रेंड्स एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो प्रोड्यूस करता है वो एक इम्पोर्टर करता है, आयातकर्ता करता है। ठीक है यह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अ लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृति करता है, एग्जिम बैंक, एनी नेशनलाइज बैंक, रिजर्व बैंक या फिर एक्सचेंज बैंक। देखिए फ्रेंड्स भारत में कोई भी सैंक्शन करना हो तो बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम अधूरा है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलें फ्रेंड्स अगला चलते हैं, चार्टर्ड पार्टी इज फॉर, क्या है चार्टर्ड पार्टी, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, डेफिनेट वॉयेज है
या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए फ्रेंड, चार्टर्ड पार्टी एक ऐसी प्रावधान है जहां पर एक निश्चित समय भी होगा तो एक निश्चित यात्रा भी होगी। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चार्टर्ड पार्टी। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। एन इम्पोर्टर कैन टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसिंग। एक इम्पोर्टर जो होता है वो टेक डिलीवरी गुड्स कर सकता है बाय बिल ऑफ साइट, बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग ऑर्डर या मैट रिसिप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा बिल ऑफ लेडिंग, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, इम्पोर्टर कैन डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसिंग द बिल ऑफ लेडिंग, जो कि इसका ऑप्शन बी इसका जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, जहाजी बिल्टी देकर। ओके, अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन इन अ केस ऑफ, किस पे ओपन किया जाता है, ये आपको बताना है, फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या न्यू इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल्स, टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन इन द केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है एक ऐसा लेटर होता है जो कि इम्पोर्टर सैंक्शन करता है और रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड के लिए यह प्रावधान होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फॉरेन ट्रेड। अगला फ्रेंड्स देखिए, फॉरवर्डिंग एजेंट इज अपॉइंटेड बाय, अभी मैंने आपको बताया था यह फ्रेंड्स होगा एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर द्वारा ये फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट किया जाता है। इतनी छोटी सी बात आपको रखनी है याद। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जिम बैंक मेनली प्रोवाइड फाइनेंस, ये एग्जिम एक ऐसी बैंक होती है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करेगी, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है या फिर एक्सपोर्टर है। तो फ्रेंड्स, एग्जिम बैंक एक ऐसी बैंक है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू द एक्सपोर्टर को, ये प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, एग्जिम बैंक फाइनेंस टू एक्सपोर्टर। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड टू, ये किस पर रिलेटेड है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, बोथ ए एंड बी। देखिए, हमें ट्रेड को बैलेंस करना है, उसके लिए हमें इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो एक्सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगला फ्रेंड्स प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप, ये कब सेटअप किया गया है, 1951, 1974, 1975, 1982। तो फ्रेंड्स, ये एग्जिम बैंक है वो 1982 को ये सेटअप की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बैंक है जो कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है मेनली टू द एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, लोको प्राइस क्या है इन फॉरेन ट्रेड, द टर्म ऑफ लोको प्राइस मींस, मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग ओनली द इंश्योरेंस एक्सपेंस, द प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स, लोको प्राइस का मतलब क्या होता है, गोदाम मूल्य का अर्थ ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसे फ्रेंड्स कहते हैं क्या, लोको प्राइस, मतलब कि गोदाम का मूल्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेशन, आपको कैसा लगा है। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करनी है शेयर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।